किसी भी आदमी का जाना निषेध है। यहाँ पर भी कुछ अनजान भक्त वहाँ जाकर जय देव बशाकोट। कितने ऊंचे ऊंचे देवदार के वृक्ष हैं और इतने ऊंचे हैं कि ऊपर देखते हुए इनकी टोपी भी नीचे गिर गई। तो ये देखिए साथियों, आज हमने की है इतनी भारी बोतलें यहाँ पर देवता की बणी से इकट्ठा। सो हेलो एंड वेलकम, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल हिमालयन वॉचर में। तो आज हैं हम देव पशाकोट जी के मंदिर में, जो कि है देव ढांक में। और यहाँ पर देखिए देव पशाकोट जी की गद्दी के रूप में प्रतिमा बनाई गई है। और ये देखिए कितनी सुंदर है ये। जय देव पशाकोट। इन्होंने हाथ में बकरी ली है और सभी भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं। बहुत ही सुंदर। और देवता के जो रथ में मोहरे लगते हैं उनकी भी यहाँ पर देखिए कितनी सुंदर प्रतिमाएं बनाई गई हैं। तो इसी के साथ ही अब हम जाएंगे यहाँ नीचे देव पशाकोट जी के नाला डेरा मंदिर में, जो आप यहाँ से सामने नीचे, यहाँ से आप सीधे सामने नीचे देख रहे हैं। और उल नदी में देखिए आज जलस्तर काफ़ी है। और यहाँ पर है आज एक छोटा सा सफाई अभियान, तो हम जाएंगे देवता की बणी को साफ करेंगे। तो आप भी बने रहिए हमारे साथ इस चैनल में। तो चलिए आपको ले चलते हैं नाला डेरा की तरफ। तो अभी हम पहुंच चुके हैं नाला डेरा में और अभी हम जा रहे हैं देव पशाकोट जी के मंदिर में। तो अभी हम पहुंच चुके हैं देव पशाकोट जी के नाला डेरा मंदिर में। तो अभी यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि हम यहाँ पर झाड़ियों के बीच में क्या कर रहे हैं। तो आज है यहाँ पर हम देव पशाकोट जी की जो ये बनी है मंदिर के साथ बनी हुई, इसकी सफाई कर रहे हैं। तो हमारे साथ है जी, और उसी के साथ ही अभी हम हैं देव पशाकोट जी के नाला डेरा मंदिर में। और उसी के सामने साथ ही है, यहाँ पर देख सकते हैं कुछ झंडे लगाए गए हैं और एक पत्थर है, और पत्थर के साथ ही एक गुफा है। तो माना जाता है कि ये गुफा है देव पशाकोट जी की, और देव पशाकोट जी यहाँ से जाते थे तो गुम्मा में जाके निकलते थे। ये यहाँ से भूमिगत होके उल नदी के नीचे से होके दूसरी तरफ गुम्मा में निकलती है। तो वर्तमान में तो अभी ये थोड़ी बंद हो गई है, और लोगों ने देखो यहाँ पर भी बहुत कूड़ा फैलाया हुआ है। तो मेरी सभी लोगों से विनती है कि जो भी देवस्थल में आते हैं ऐसे अनैतिक कार्य ना करें, और उसी के साथ साथ ही यहाँ पर आकर कूड़ा करकट ना फैलाएं, देवस्थलों को स्वच्छ और साफ बनाए रखें। ये हमारी ही नहीं आपकी भी मौलिक जिम्मेदारी है। और उसी कड़ी में अभी हम प्राचार्य सर के साथ जाएंगे, कुछ और स्थान को यहाँ पर हम साफ करेंगे। और ये है देव पशाकोट जी की बणी। और देख, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि इस बणी में, देवता की बणी में देखिए कितने ऊंचे ऊंचे देवदार के वृक्ष है कि इनको ऊपर अगर आप हम देखते हैं तो टोपी भी नीचे गिर जाती है, और गुरु जी की टोपी समय खुल के नीचे गिर गई। बिल्कुल सीधे ऊंचे वृक्ष, और तना भी देखिए इनका कितना मोटा है, बहुत ही मोटा है, बहुत ही बहुत बहुत। ये देखिए कितने बड़े बड़े
देवदार के विशाल वृक्ष हैं और बहुत पुराने भी हैं। स्वागत अभिनंदन, जैसा कि आज सभी भक्तों ने यहाँ मिलकर काफ़ी समय से इकट्ठा हुआ प्लास्टिक बोतलें और सारी यहाँ पर देवता के चारों तरफ की बनी की सफाई की, मेरा सभी भक्तों से यही अनुरोध रहेगा कि जो भी भक्त अपने जातर लेके आते हैं, अपने जो भी कार्यक्रम यहाँ करते हैं, तो उनसे मेरा यही अनुरोध रहेगा कि अपनी जो बोतलें प्लास्टिक के जो लिफाफे एक जगह ही डालें, क्योंकि यहाँ जो सामने जो देवता की बनी है इसमें किसी भी आदमी का जाना निषेध है। यहाँ पर भी कुछ अनजान भक्त वहाँ जाकर बोतलें फेंकते हैं, प्लास्टिक का कचरा फेंकते हैं, तो मेरा उनसे भी अनुरोध रहेगा कि अब जब भी आप नाला डेरा में आएँ आपका स्वागत है, परंतु सफाई का विशेष ध्यान रखते हुए ये जो हमारा जो ठोस कचरा है उसे एक जगह इकट्ठा करके और दूसरा प्लास्टिक वाले कचरे को एक जगह इकट्ठा करके, ताकि जो हमारा वातावरण शुद्ध रहे और देवता के इस पावन धरती को कोई भी अशुद्धि का कोई भी कलंक ना लगे। देवता का आशीर्वाद तो हमें तब तक ही बना रहेगा जब तक हम स्वच्छता का पूर्ण रूप से ध्यान रखेंगे। जो भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं वो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जहाँ पर स्वच्छता होती है वहीं पर ही देवी देवता निवास करते हैं। तो आज जितने भी भक्त यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, ये एक मुहिम चलाई जा रही है स्वच्छता की, भी हमारे जितने देव स्थल हैं उनकी साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए, तो उसके लिए हम एकजुट हो रहे हैं। स्वच्छता अभियान में इस मुहिम में हमने छोटी सी एक शुरुआत की है। हमारा ये आग्रह रहेगा कि लोग जो भी श्रद्धा कर रखते हैं देव पशाकोट की, इस स्वच्छता अभियान में हमारा सहयोग दे सकता है। हम हर मंदिर को हर मंदिर के लोगों को साथ जोड़ेंगे और उनको अपने साथ इस मुहिम में लेके जो है हर मंदिर की जो है स्वच्छता में शुरुआत करेंगे। जय देव पशाकोट। जैसा कि आज सफाई का अभियान यहाँ पर हमारे भाई बहनों के सहयोग से किया जा रहा है, और यहाँ आने वाले जितने भी हमारे भाई बंधु है जो भक्तजन है वो कृपया करके सफाई का विशेष ध्यान रखें, और उन या सफाई से रिलेटेड या कोई भी और काम है तो हमें बताएं, और साथ में खुद भी सफाई का ध्यान रखें, और जैसा जैसा हम उनको आगे मार्गदर्शन उनका करेंगे वो उसका पालन करें। बाकी इतनी सी आग्रह है कि सफाई का आप लोग विशेष ध्यान रखें, जैसे घर पर अपने साफ सुथरा रखते हैं वैसे देवता के स्थल को भी साफ सुथरा रखने की कृपा करें। स्वच्छता के बिना पूजा भी अधूरी मानी जाती है, तो इसी कारण आप सभी सफाई का ध्यान रखते हुए देव पशाकोट के मंदिर में दे दीजिए। चलो जो बड़े परिश्रम से और देखिए आप कितने लोगों ने कितना पैसा वेस्ट करके कितनी बोतलें जमा कर दी है। एक ठेका खुल जाए अगर आप ऐसे अगर आप तो ये देखिए साथियों, आज हमने की है इतनी भारी बोतलें यहाँ पर देवता की बणी से इकट्ठा, जो देव मंदिर के परिसर के चारों तरफ फेंकी गई थी, और उसी के साथ ही ये देखिए यहाँ पर कूड़े का ढेर लग गया है और बहुत सारा कूड़ा कचरा हमने इकट्ठा किया देवता के मंदिर से। तो आप भी सहयोग कीजिए देवता के मंदिर को साफ एवं स्वच्छ रखने में। Bye.